everyone, welcome back to another video from your very book, Grammar Glitcher or Jesse of Class 6th. We are studying the Brain Root series and aaj hamare chapter ka naam hai chapter 25, Punctuation. Punctuation bahut 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 important hai English likhte hue aur bolte hue bhi. ठीक है, पंचुएशन के बिना हमारी इंग्लिश इज़ यू नो वेरी वेरी वेस्ट. पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पंचुएशन क्या है? व्हेन वी स्पीक वी पॉज स्टॉप और चेंज द टोन ऑफ आवर वॉइस टू मेक आवर मीनिंग क्लियर. व्हाइल राइटिंग वी यूज़ पंचुएशन मार्क्स. जब हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा हम यू नो एक साथ एक ट्रेन की तरह बोलते थोड़ी रहते हैं. वी टेक पॉजेस जहाँ जहाँ हमें ऐसा फील होता है हमें पॉज लेना है, थोड़ा यू नो कॉमा की जगह देनी है या फुल स्टॉप लेना है, तो हम अपनी वॉइस को उसी तरीके से मॉड्यूलेट करके उन मॉड्यूलेट आवर वॉइस. हम अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमें पंचुएशन को यूज़ करना है. ठीक है, हमें अगर अपने मीनिंग जो हम बोल रहे हैं उसे क्लियरली एक्सप्रेस करना है तो वी हैव टू टेक पॉज एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, आप मेरी स्पीच देख रहे होंगे अभी. आई एम टेकिंग पॉज एट सर्टेन प्लेसेस. मैं कहीं कहीं जगह पे पॉज ले रही हूँ. क्यों? सो दैट आपको मेरी आवाज़ और मेरा जो मैं बोल रही हूँ मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियरली कन्वे हो, आपको उसका मीनिंग बिल्कुल ऑथेंटिकली बिल्कुल यू नो क्रिस्टल क्लियरली क्या हो डिलीवर हो. राइट, आई होप इट्स क्लियर. और जब हम लिखते हैं पंचुएशन मार्क्स हम तब भी यूज़ करते हैं. आप इसी सेंटेंस में देख लीजिए, आज के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन डेफिनेटली खत्म हो जाएगी. चलिए, पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? वो सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर पॉज लाने के लिए. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेंटेंसेस क्लियर होते हैं और हमारी स्पीच जो है कन्वे हो पाती है अच्छे तरीके से. ठीक है, सबसे पहला यू नो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हमारे पंचुएशन मार्क्स हैं हम कॉमनली यूज़ करते हैं. फुल स्टॉप है जो हम करते हैं, कॉमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमने अभी याद होगा आपको इंटरजेक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था. एक्सक्लेमेशन मार्क हम हमेशा इंटरजेक्शन के बाद लगाते ही लगाते हैं. और कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? जो आप फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं मेरी आप जो मैंने बोला आपको वो डायरेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीच में कन्वे करना है किसी और को, तो आप मेरी स्पीच को डबल कोट्स में लगाएंगे. लॉन्गेस्ट पॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. ठीक है, तो आपको पता होगा हर सेंटेंस को एंड करने के बाद हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले हम उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के बाद. आपको याद होगा हमने सेंटेंसेस चैप्टर में पढ़ा था, स्विच ऑन द फैन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बैड फॉर हेल्थ. ठीक है, अब हमें अगर कोई एब्रिविएशन यूज़ करनी है, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम इस तरीके से लिखा जाता है, ए एस फनान. आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दिस इंटरप्रिटेशन रोड इन अ वेल ऑर्गेनाइज एब्रिविएशन द फुल स्टॉप मे बी ओमिटेड. जो हमारी वेल ऑर्गेनाइज होती हैं जैसे VIP, MLA, CIA, इसके अराउंड हम कोई भी एब्रिविएशन यूज़ नहीं करते हैं. चलिए, नाउ ऐड फुल स्टॉप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फुल स्टॉप्स ऐड करने हैं, इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. आई विल डू द 3 फॉर यू, रेस्ट 3 यू हैव टू डू. ओके, लेट्स डू इट. अभास बुक हैज़ बिन स्टोलन, तो हम बस यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए. इस तरीके से हम फुल स्टॉप लगा देंगे. आई होप आपको दिख रहा होगा ये फुल स्टॉप, अदरवाइज आई विल डार्कन इट अ बिट. बट आपको अपने नोटबुक में एक डॉट बनानी है, यू डोंट हैव टू डार्कन इट अ लॉट. मैंने क्यों डार्कन किया है? कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख पाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. दीज बॉयज आरंट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो फिर से हम एक फुल स्टॉप बना देंगे. राइट, वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, फुल स्टॉप. लास्ट थ्री आप ये खुद आई एम श्योर कर सकते हैं. आई एम डैम श्योर दैट यू कैन डू इट योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी ईजी. नेक्स्ट इज अ कॉमा. आप कॉमा कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे. कॉमा हम एक शॉर्ट पॉज को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, बहुत सारे यूज़ होते हैं कॉमा के. सबसे पहले क्या है, जब हमें दो या तीन चीज़ें अगर एक सेंटेंस में है उन्हें अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्हें हमें सेपरेट करना है. जैसे आई लाइक टू ईट चॉकलेट आइसक्रीम एंड स्वीट्स. ठीक है, तो चॉकलेट कॉमा आइसक्रीम एंड स्वीट्स,
तो आप समझ रहे हैं, तीन चीज़ें थी, मेरे को उन्हें सेपरेट करना था। एक को मैंने कॉमा से कर दिया और जो मेरी लास्ट वाली चीज़ है उसके बराबर में मैंने एंड लगा दिया। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, जब हमें दो यू नो सेंटेंसेस को, जो अलग अलग सेंटेंसेस लगते हैं उन्हें एक साथ लिखना होता है, तो तब भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। शी फिनिश्ड हर वर्क इन टाइम सो शी वॉज अवॉर्डेड। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं हमने दो ऑलमोस्ट डिफरेंट सेंटेंसेस को एक साथ लिखने के लिए, ऑफकोर्स वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमने कॉमा यूज़ करा है। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सेंटेंस फ्रॉम अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको याद होगा हमने पढ़ा था, आरंट यू, वोंट यू। ऑन 14th March 1879 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब। Although she finished her work on time, she was not awarded. तो वही एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लिया और एक डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम भी क्या यूज़ कर सकते हैं, एक कॉमा यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक कोट डायरेक्ट किसी की बोली हुई चीज़ या कोई कोट एक्सप्रेस करना है तब भी हम कैसे लिखेंगे, शी सेड कॉमा आई वॉन्ट टू वॉच द फिल्म। आई होप पैराग्राफ के अंदर कॉमाज ऐड करने हैं। चलिए लेट्स, टॉमी वोक अप अर्ली कॉमा इन द मॉर्निंग ऑफ द स्कूल ट्रिप packed his bag twice as quickly as usual and ate really fast. He ran all way to school almost bumping into his best friend as he reached the school gates. He had never been to the zoo before and Mr. Thompson had promised that there would be hippos, tigers, snakes and more. Tommy's biggest wish was to see a lion though. He knew lions had huge teeth, big claws and a loud roar, but he wanted to see it for himself. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर कॉमा यूज करा है। चलिए अब देखेंगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम एक क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं या फिर हमें क्वेश्चन टैग्स को एक्सप्रेस करना हो तब भी। ठीक है, जैसे हैव यू सीन द ताजमहल, क्वेश्चन पूछा हमने तो हमने क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, You enjoyed the poem, didn't you? तो हमने question tag के बाद भी एक question mark लगा दिया। I hope आपको ये समझ आया होगा। आगे देखेंगे हमें question marks use करने हैं इन sentences में। चलिए देखेंगे, How did you do this? Question mark. You are still going to the gym, right? तो ये भी एक question है, question mark. Do you like cold drinks? Again question mark. Is she the one who won the gold medal? For the marathon? Question mark. Question पूछे जा रहे हैं ना? Would you prefer pasta or momos? So this is also a question. You do not like bitter curd, do you? Question. Can you finish the repair in 2 days? Again, this is a question. Next, Preetha said, Haven't you seen these earrings before? Again, question mark. So I hope आपको एक question mark वाला चीज भी समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अब एक्सक्लेमेशन मार्क के टूवर्ड्स। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें जब एक सरप्राइज मिले या हमें कोई इमोशन एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे व्हाट अ सॉन्ग, आई कांट बिलीव दैट ही हैज डन सो बैडली इन हिज एग्जाम्स। तो अब आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एक डायरेक्ट स्पीच में भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक एक्सक्लेमेटरी स्पीच में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, इंसर्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। चलिए देखेंगे अभी एक्सरसाइज। आउच दैट हर्ट बैडली, तो इंटरजेक्शन है आउच, उसके बाद आपको याद होगा हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, सो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सारा सेड वाओ दिस इज रियली ग्रेट, सो यहाँ पे आएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन के बाद। Hey, sit down. Interjection के बाद, याद रखना है आपको। We are fed up with you. Leave now. So, this is also an exclamatory sentence. Hooray, we really did it. So, interjection के बाद, आपको याद रखना है। Oh, I'm not sure I can help you with that. So, यहाँ पे आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि interjection है और interjection के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है exclamation mark आता ही आता है। How wonderful! एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए आगे देखेंगे अब कैपिटल लेटर्स हम कब यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर्स एक सेंटेंस को बिगिन करते हुए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। सारे प्रॉपर नाउन्स के साथ और एडजेक्टिव्स जो उससे फॉर्म होते हैं उनके साथ हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। जैसे जुलाई, वेंसडे,
कोलकाता, स्पेन, रेजो, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रॉपर नाउन्स है, राइट? आई होप आपको मुझे प्रॉपर नाउन्स बताने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको प्रॉपर नाउन्स बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है? ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स इंडिकेटिंग द डिवाइन बिगिन विद कैपिटल लेटर, जैसे गॉड इज डिवाइन, तो जी हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट, जब हमें कोई डायरेक्ट कोटेशन किसी की एक्सप्रेस करनी होती है, किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं, तो कोट लगाने के बाद पहला वर्ड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल द होगा, तो टी हमारा बड़ा बनेगा, तो कोटेशन मार्क के बाद जो भी आप पहला अल्फाबेट बनाएंगे दैट हैज टू बी कैपिटल. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर. बस आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, आई होप आपको ये कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा. हैव यू एवर बीन टू द सैन डिएगो ज़ू, तो आपका ये जो एच है यहाँ पे ये बड़ा बनेगा, तो ये हैव इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है? सेकेंड वन आप खुद करेंगे होमवर्क में. थर्ड, आई वंडर हाउ मेनी स्टेप्स द आईफिल टावर हैज, ठीक है? तो अब इसके अंदर आपका जो आई है वो बड़ा होगा. क्या एक और ऐसी चीज है इसके अंदर जो बड़ी बनेगी? यस, आईफिल टावर, ई एंड टी. ई इसका बड़ा होगा और टी बड़ा होगा, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क. वी आर डूइंग द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस. Did you know, मैं सबसे पहले did, dead में d बड़ा होगा. You know, the parking meter was invented in the north, तो n बड़ा होगा, ठीक है? आगे देखेंगे. You haven't eaten dinner, ये वाला आपका homework. What a delightful time. The fifth one, the lady said, get me a glass of water, please. तो इस तरीके से आपने quotation mark को use कर लिया, ठीक है? चलिए अब g exercise देखेंगे. Read the following sentences, put quotation marks, full stop, question mark, सारे जो punctuation है आपको इसमें use करना है. First one, I will appear for my entrance exam tomorrow, said Sumedha. तो ये Sumedha के quotation words हैं, तो मैंने quote में डाल देंगे और यहाँ full stop लगा देंगे, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. Rita said, what a beautiful view. तो यहाँ पे exclamation, इस तरीके से quotation और आपका हो गया, ठीक है? सिमरन हैज बुक्ड अ फ्लैट, फुल स्टॉप एंड एस बड़ा, ठीक है? क्योंकि किसी का नाम है, फर्स्ट लेटर है. शी प्रेड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ हर एलिंग मदर एंड शी का एस बड़ा. लास्ट फोर, यू हैव टू पुट कोटेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स योर सेल्फ, सो प्लीज डू इट एज योर होमवर्क. Okay, so that's it for this video, everyone. Thank you so much for watching. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.